नमस्कार, जय श्री श्याम। गीता स्टिक्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आलू सिंह जी महाराज जी की भक्ति के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एक ऐसी घटनाक्रम है जो कि हम लोगों की आंखों के सामने हुई है। मैंने नहीं देखा था, लेकिन मेरी माँ ने देखा था और मम्मी ने हम लोगों को बताया था। आज काफी साल, 20-25 नहीं, कम से कम 30 साल पहले की बात होती है, 30-35 साल पहले की बात है, काफी पुरानी है। मैं जब बहुत छोटी थी तब की बात है। तो आलू सिंह जी महाराज जी बहुत बड़े श्याम बाबा के भक्त थे। जिस तरह श्याम बहादुर जी भक्त थे, उसी तरह आलू सिंह जी महाराज जी भी बहुत बड़े भक्त थे श्याम बाबा के। उनमें बहुत ज्यादा शक्ति थी। वो यदि अपने मुंह से कुछ निकाल देते तो वो तुरंत होता था। तो मैंने श्याम बहादुर जी को तो कभी नहीं देखा, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है। यदि बचपन में देखा होगा तो मुझे नहीं याद है, लेकिन उनके ताले मूर्छड़ी से ताला खोला था उन्होंने, इस चर्चा को मैंने बहुत सुना है। लेकिन आलू सिंह जी महाराज जी को मैंने बहुत करीब से देखा है। हम लोग उनको बहुत अच्छे से जानते थे। मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा मानते थे, बाई बाई करके बुलाते थे हमेशा। और बचपन में तो मैं उनकी गोदी में बैठा करती थी। जब शाम बगीचे में हम लोग जाते थे, वो हमेशा प्यार से मुझे अपनी गोदी में बैठाया करते थे। मम्मी थोक खाने बोलती थी तो हम लोग थोक खाते, तो बहुत डर लगता था क्योंकि वो इतनी जोर से थापी देते थे ना आशीर्वाद की, तो डर लगता था कि अरे अभी जोर से मुक्का पड़ने वाला है, ऐसा हम लोगों को डर लगता था। उस वक्त नहीं पता था, हम लोग बच्चे थे, इतना ज्ञान नहीं था कि इतने बड़े सिद्ध पुरुष है, इतने बड़े भक्त है श्याम बाबा के। उस टाइम यदि ज्ञान होता तो मैं उनके चरणों को पकड़ के बैठ जाती और उनसे थोड़ी भक्ति में भी ले लेती। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में जब से होश संभाला है, श्याम प्रेमियों को देखा है, बहुत श्याम भक्त को भी देखा है, लेकिन आलू सिंह जी महाराज जी के बराबर मैंने आज तक किसी भी भक्त को नहीं देखा है। श्याम बहादुर जी है, लेकिन मैंने उनको कभी, मुझे ध्यान नहीं आता कि मैंने उनको देखा है। यदि देखा भी होगा तो बचपन में मुझे याद नहीं है। लेकिन आलू सिंह जी महाराज जी के हम लोग बहुत ज्यादा करीब थे। स्पेशली मेरी मम्मी तो बहुत ज्यादा उनको मानती थी। वो हमेशा हम लोग के यहाँ घर पे भी आते थे, हम लोग खाटू जाते थे, श्याम बगीचे में आते थे, तो हम लोग श्याम बगीचे में ही पड़े रहा करते थे। तो एक बार की एक सत्य घटना है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। यदि आप लोगों को नहीं मालूम है, पुराने जो भक्त हैं श्याम बाबा के, जो पुराने प्रेमी हैं, उन्हें तो पता है, लेकिन जो आज नए जो जुड़े हैं, आज 20-25 साल से जो जुड़े हैं, उन्हें शायद इस घटनाक्रम के बारे में नहीं पता होगा कि आलू सिंह जी महाराज जी कितना बड़ा चमत्कार किए थे। एक बार की बात है, मम्मी की एक फ्रेंड थी, उसके एक 10-12 साल का बच्चा था। वो बचपन से गूंगा था, उसके मतलब बोली ही नहीं थी। तो मेरी मम्मी भी जैसे बहुत बड़ी श्याम भक्त हुआ करती थी, फेमस भी हुई थी, लेकिन अंदर से बहुत भक्ति थी। जितने भी श्याम प्रेमी है पुराने, वो सभी मम्मी को प्राय जानते हैं। तो मम्मी के जो खाटू जाते थे, बस आपस में मिलते थे श्याम प्रेमी, जैसे वैसे ही वो श्याम प्रेमी थी। मम्मी से उसकी मुलाकात हुई, तो मम्मी ने को जब पता चला कि उनका बेटा बोलता नहीं है, तो मम्मी ने उस आंटी को कहा कि तुम तो जाके मंदिर में पसर जाओ और उठो मत, तुमको जो भी उठने के लिए बोले तुम उठना ही मत, तुम बोलना जब तक मेरे बच्चे की बोली नहीं दोगे तब तक मैं दरबार से उठूंगी नहीं। वो बोली नहीं, यदि लोगों ने मुझे पकड़ के उठा दिया तो मैं क्या करूंगी। बोले तुम हिलना ही मत, तुम एकदम जिद पे अड़ जाना, आलू सिंह जी महाराज जी को बोलना कि मेरे बच्चों को बोली दोगे तभी मैं यहां से उठूंगी, नहीं तो मैं उठूंगी नहीं। लेकिन और मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सब बात बताती हूँ क्योंकि ये एकदम हकीकत की बात है, सच्ची घटना है। तो वो पता नहीं आंटी के भी मन में इतना विश्वास जगा, वो मम्मी की कहने से जाके मंदिर में दरबार में एकदम दरबार में बाबा के लेट गई। उस टाइम मंड का वो जो पोर्शन, आज की डेट में जो VIP दर्शन जिसको बोला जाता है, मंड अलग होता है और बाहर के यात्री लोग अलग दर्शन करते हैं, तो उस टाइम इतना वो ज्यादा नहीं हुआ करता था। उस टाइम पूरा खुला रहता था, बारस के बाद, फागुन के 11 बारस के मेले के बाद में क्या वो चीज हट जाती, मंड बोल के जो पोर्शन था वो हट जाया करता था। मंदिर के मंड के अंदर में बाबा के पुजारी जी लोग बैठते थे वहीं सब, और हम लोग बाहर से दर्शन भी कर लिया करते थे। तो वो आंटी एकदम सीधा जाके लेट गई। अब आलू सिंह जी महाराज जी आए, मूर्छड़ी का छाड़ा दे, बोले उठो। वो बार बार उसको बोले उठने के लिए, बोले नहीं मैं तो नहीं उठूंगी, जब तक मेरे बच्चे को बोली नहीं मिलेगी मैं तो नहीं उठूंगी। तो बोले तू मर जाएगी यहाँ पड़ी पड़ी, तेरे बच्चे को बोली नहीं मिलेगी, उठ यहाँ से, नहीं मिलेगी तेरे बेटे को बोली। आलू सिंह जी महाराज जी ने ये बात कही। तो बोली नहीं, मुझे तो बेटे की जबान चाहिए, नहीं तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी। बहुत काफी 2-3 घंटे तक ये बहस चलती रही, काफी देर तक ये चलता रहा। महाराज जी बोलते रहे कि तुम उठो यहाँ से,
भगत जी बोलते हैं तुम उठो, मोक्षणिका खूब झाड़ा दे रहे हैं उसको, बोल रही तेरे बेटे को बोली नहीं मिलेगी, तू यहाँ से जा, नहीं मिलेगी। लेकिन वो भी अपने जिद पे अड़ी रही। इसको कहते कि विश्वास और श्रद्धा। वो अपनी जिद पे अड़ी रही, नहीं मेरे बेटे को जब तक बोली नहीं मिलेगी मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं उठूंगी। लास्ट में आलू सिंह जी महाराज जी को उसके जिद के आगे हारना पड़ा। महाराज जी कह लीजिए चाहे श्याम बाबा कह लीजिए, क्योंकि उस वक्त श्याम बाबा का कुछ स्वरूप आलू सिंह जी महाराज जी के अंदर में हम लोग को नजर आता था। तो महाराज जी बोले कि ठीक है चलो मैं कोशिश करता हूँ। तो वो बच्चे को लेके और उसकी माँ को लेके श्याम कुंड गए। बोले कि देख मैं 3 बार इसको बोलूंगा, मतलब श्याम कुंड में जो पुराना वाला जो श्याम कुंड है ना, एक्चुअल में वही मेन श्याम कुंड है, पुराना जो कुंड है जिसमें महिलाएं स्नान करती है वही मेन श्याम कुंड है, उसी कुंड से श्याम बाबा की मूर्त प्रकट हुई थी। तो पहले एक ही कुंड हुआ करता था, वो दूसरा कुंड बाद में बना था जिसमें आजकल पुरुष लोग स्नान करते हैं। तो उस टाइम वो एक ही कुंड था, तो उस कुंड में नीचे बहुत गहराई थी उस कुंड में, जो एकदम अंदर में जाके एक कॉर्नर आते हैं वहां पे भयंकर गहराई थी, यदि उसमें कोई गिर जाए तो वो जैसे तैरना नहीं आता है तो वो डूब के मर भी सकता था। तो ऊपर जाके ऊपर में एकदम उस गहराई वाले पोर्शन के सामने जाके आलू सिंह जी महाराज खड़े हो गए और बच्चे को साथ में ले लिए, बच्चे को हाथ में रखे और उसकी माँ को बोला कि तू देख अभी भी सोच ले, मैं सिर्फ 3 बार कहूंगा इसको जय श्री श्याम बोलने के लिए, तीसरी बार में यदि जय श्री श्याम नहीं बोला तो मैं इसको कुंड में फेंक दूंगा, फिर मुझे मत बोलना। अब तो देख ले तेरे को बेटा चाहिए कि तेरे बेटे की बोली चाहिए। वो आंटी भी एकदम जिद और विश्वास इतना अटल कि नहीं, पता नहीं इतनी शक्ति भी भगवान बहुत कम लोगों में देते हैं, मेरे अभी भी एकदम रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात बताते हुए। तो वो आंटी भी एकदम जिद पे अड़ गई थी कि नहीं मुझे तो बेटा नहीं, मुझे तो बेटे की बोली ही चाहिए, आपको जो करने करी मेरे को बेटे की बोली चाहिए, यदि बोली नहीं है तो मुझे बेटा भी नहीं चाहिए। तो आलू सिंह जी महाराज ने उस बच्चे को ऐसे पकड़ा उसकी गर्दन को और श्याम कुंड की तरफ थोड़ा सा झुकाया और बोला कि बोल जय श्री श्याम। वो बच्चा नहीं बोला, फिर उसकी माँ की तरफ देखा और बोला देख ले अभी भी तेरे पास समय है, तेरे को बेटा चाहिए कि बेटी की बोली चाहिए, यदि तीसरी बार में नहीं बोला तो मैं इसे श्याम कुंड में फेंक दूंगा। लेकिन उन आंटी ने कहा कि नहीं मुझे तो बेटे की बोली ही चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, बोली नहीं तो बेटा भी नहीं चाहिए। बोले ठीक है, फिर दूसरी बार बोले बोल जय श्री श्याम, बोल के उसको और अंदर झुका दिए और मतलब नीचे की तरफ झुका दिए। बोले कि फिर भी वो बच्चा जय श्री श्याम नहीं बोला। फिर वो उसकी माँ की तरफ देखे और बोले बोल अभी भी देख तेरे पास वक्त है, आधा झुक चुका है, अभी तीसरी बार में यदि नहीं बोला ना तो मैं तेरे बेटे को श्याम कुंड में फेंक दूंगा, अभी भी तो सोच ले, अभी भी तेरे पास समय है, तेरे को बेटा चाहिए कि बेटे की बोली चाहिए। वो आंटी का भी जिद एकदम प्रबल था, उन्होंने यही कहा कि नहीं मुझे तो बेटा ही चाहिए, बेटे की बोली ही चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने और उसको अंदर तक झुका दिया बच्चे को, फिर बोला बोल जय श्री श्याम, जोर से चिल्ला के बोले बोल जय श्री श्याम। तो जैसे और ज्यादा उसको झुकाया वैसे वो बच्चा जोर से बोल उठा जय श्री श्याम करके, वो बच्चा बोल उठा। और ये हम लोग मेरी मम्मी के आपके सामने की घटना है, क्योंकि मम्मी भी उस वक्त उस आंटी के साथ में थी और काफी भक्त थे, ये सब कुछ देखने के लिए वहां काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, काफी लोगों ने ये दृश्य देखा था। तो जैसे ही वो उसको एकदम बच्चे को अंदर तक झुका दिए और माँ का जी इतना कड़ा है कि सोचे कि वो मतलब एकदम अटल रही अपनी जिद पे कि नहीं मुझे बच्चे की बोली चाहिए, तो श्याम बाबा ने आलू सिंह जी महाराज जी के थ्रू उस बच्चे को बोली दी। बोला कि तीसरी बार जैसे ही महाराज जी ने उसको एकदम अंदर तक झुका दिया तो बच्चा जोर से बोल उठा जय श्री श्याम करके बोला। वही सारे भक्तों ने बाबा की जय जयकार लगाई और तालियां बजाई और महाराज जी की भक्ति इतनी अटल थी, इतनी प्रबल थी, उनमें इतनी शक्ति थी। भगत जी आलू सिंह जी महाराज जी, उनको भगत जी कहा जाता है, उनमें इतनी भक्ति थी कि वो गूंगे को भी बोली दिला दिया करते थे, मर्दे को भी जिंदा कर दिया करते थे। एक इंसान था जो लंगड़ा आया था उसे पैरों पे खड़ा कर दिए थे। बहुत सारी कथाएं हैं आलू सिंह जी महाराज जी की, आज मैंने आप लोगों को ये एक कथा बताई है, ये सत्य घटना है। तो इतनी शक्ति हुआ करती थी आलू सिंह जी महाराज जी ने, वो इतने बड़े भक्त थे। लेकिन उनके जाने के बाद मुझे आज तक श्याम बाबा का इतना बड़ा भक्त कोई भी नजर आज की डेट में मेरे सामने कोई आया नहीं है,
होगा तो पता नहीं, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा। उनमें वो सच्ची शक्ति थी और सच्ची भक्ति थी। उनकी जगह चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो मैं उन आरू सिंह जी महाराज जी को, भगत जी को सत सत नमन करती हूँ। श्याम बाबा के भक्तों को सत सत नमन है, श्याम बहादुर जी को मेरा सत सत नमन है। काश उनकी भक्ति का एक अंश भी हमें मिल जाता तो मैं भी धन्य हो जाती। प्रभु से यही विनती है कि हमें भी अपनी भक्ति दे और इतनी शक्ति दे कि हम भी दूसरों का भला कर सके। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को महाराज जी की ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।